हेलो, शिशु केयर चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर हिमांशु दवे, पीडियाट्रिशियन, आज आपको बताने जा रहा हूँ एक बीमारी जो अभी कुछ समय में, लास्ट 1-2 महीने में बच्चों में काफ़ी देखने को मिली है। इसका नाम है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। ये काफ़ी लोगों में आपने रिसेंटली देखा होगा, बच्चों में, या तो आपके बच्चों में या किसी नोन के बेबीज़ में, कि बच्चों को बुखार आ रहा है 1-2 दिन के लिए, उसके बाद उनको दाने हो रहे हैं। दाने मेनली होते हैं हाथ पे, पैरों में, तलवे पे और मुंह के अंदर, इसीलिए उसका नाम है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। ये एक वायरल बीमारी है, जैसे बहुत अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, उसी प्रकार का ये भी एक वायरस है। जिस वायरस से ये बीमारी हो रही है, इसमें बच्चों को हल्का बुखार आना, सर्दी जुकाम के लक्षण दिखना, और जो मेन तकलीफ जिस वजह से पेरेंट्स काफ़ी परेशान है, वो ये है कि बच्चे के मुंह पूरा छालों से या दानों से भर चुका है, हाथों में भी जो पंजे होते हैं वहाँ पे दाने हो रहे हैं और पैरों में दाने हो रहे हैं। उस वजह से समस्या ये होती है कि जो मुंह के दाने हैं उसमें बच्चे को जलन होती है, दर्द होता है, बच्चा खाना पीना छोड़ रहा है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ये बीमारी स्प्रेड हो सकती है कॉन्टैक्ट से, तो अगर आपके घर में किसी बच्चे को ये हुआ है तो दूसरे बच्चों को उसे आइसोलेट करके रखें कम से कम 5 से 7 दिन के लिए, नहीं तो ये दूसरों में भी फैलने की संभावना पूरी रहती है। और अगर किसी बच्चे को ये बीमारी होती है तो उसमें उसको आपको जो चीज़ें ध्यान रखने की, वो ये है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। सिम्टोमेटिक यानी जो लक्षण है उसके लिए, बाकी वायरल बीमारी का कोई भी ऐसी दवा नहीं होती जो उस बीमारी को एकदम ठीक करे, लेकिन सिम्टम्स जैसे बुखार है तो बुखार की दवाई दी, सर्दी है जुकाम के लिए दवाई दे सकते हैं। दूसरा, जो मुँह में छाले हैं, बच्चा खाना पीना छोड़ रहा है तो आपको एकदम हल्का खाना उसको देना है, लिक्विड्स ज़्यादा दीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, बिना मिर्च मसाले का खाना खिलाइए ताकि उसके माउथ के अंदर जलन ना हो, बच्चा इजीली खा सके। समय के साथ धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, दाने सूखने लगते हैं, मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन, कभी कभी 5 से 7 दिन तक के दाने रहते हैं और ये ठीक हो जाते हैं समय के साथ। मल्टीविटामिन आप दे सकते हैं, और कुछ इस प्रकार की दवाई भी आती है जिसमें उसको लगाने से, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 5-6 साल का है, तो उसको मुँह के अंदर आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ी देर के लिए जो दर्द है वो कम होता है खाने से पहले। तो ये इस बीमारी के लक्षण हैं, इसके कोई बहुत ज़्यादा हानिकारक या डेंजरस इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, या मॉर्टेलिटी किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं है। तो बस ध्यान रखना है, अगर किसी आसपास किसी को हो रहा है तो आपको बचा के रखना है अपने बच्चे को, उसके लिए। थैंक यू।